स्त्री कल आना, ये डायलॉग आपने स्त्री फिल्म में जरूर सुना होगा। और फिल्म की कहानी भी बहुत अलग थी, हॉरर कॉमेडी। ये फिल्म लोगों को खूब पसंद आई और फिल्म का कॉन्सेप्ट भी एकदम नया था। और फिल्म में जिस तरह से भूत सिर्फ और सिर्फ मर्दों को उठाकर ले जाता है और सिर्फ कपड़े ही छोड़ता है, और फिल्म में जिस तरह से राजकुमार राव रक्षक बनकर कमाल करते हैं और सबकी रक्षा करते हैं, आप फिल्म तो देखकर हंसते हंसते निकल जाते हो। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर ऐसा हकीकत में हो जाए जो फिल्म में दिखाया गया है तो क्या हो? आप सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, और ये तो फिल्म है, फिल्म भला हकीकत में कैसे बदल सकती है? तो जनाब, आप शायद भूल गए हैं कि फिल्म भी कुछ इसी तरह की घटनाओं पर ही आधारित थी, यानी कि कुछ सुनी सुनाई बातों के ऊपर भी ये फिल्म थी। और अब अगर बात करें कि ऐसा कुछ कहाँ हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो आपको बता दें कि ये भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। और ऐसा हो रहा है जिस गांव में, उस गांव में लोगों का तो बुरा हाल है भूत के नाम से। अब आखिर मांजरा है क्या, ये आपको बताते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। पंजाब के तरन तारण में लोगों ने दावा किया है कि भूत पिंड गांव में जो भूत है वो औरतों के कपड़े चुरा रहा है। यहाँ तक कि जो कपड़े चुरा रहा है उसे लोगों के पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है, यहाँ तक कि वो गहनों की तरफ भी नहीं देखता। रात के समय में कोई ऐसा चोर आता है जो जेवर या फिर नकदी छोड़कर सिर्फ महिलाओं के कपड़े चुरा कर ले जाता है, हैरानी वाली बात है ना। अब चोर आएगा तो वो सबसे पहले तो जेवर और पैसों पर ही हाथ मारेगा, लेकिन कपड़ों पर क्यों वो अपना हाथ साफ करेगा या कपड़े क्यों लेकर जाएगा? लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक कपड़ा चुराने वाला कोई भी चोर सामने नहीं आया है। इसलिए गांव के लोग अंधविश्वास में कह रहे हैं कि ये कपड़े भूत ही है जो चोरी कर लेकर जा रहा है। भूत पिंड गांव में जिस चोर को दोपहर के समय में औरतों के कपड़े चुराते हुए देखा गया है उसे कोई नहीं जानता। जी हाँ, यानी कि अगर दिखा भी तो लोग उसे पहचान भी नहीं रहे हैं और उसको मरा हुआ घोषित कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि चोर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के ही कपड़े चुरा रहा है, यानी कि वहां पर बच्चे और मर्दों के कपड़ों के वो आसपास भी नहीं भटकता। इन चुराए गए कपड़ों को अब वो जरूर रखता भी कहीं ना कहीं होगा। तो जी हाँ, वो एक घर में ले जाकर उसे रखता है, यानी कि जो कपड़े चुराए जाते हैं वो उसे लेकर एक घर में पहुंच जाता है। और कमाल की बात यह है कि जहाँ ये कपड़े रखे जाते हैं उस जगह पर ताला लगा हुआ है। अब जरा सोचिए कि जेवर और पैसा हो तब ताला लगाकर कोई जाए तो समझ में आता है, लेकिन चुराए हुए कपड़े और वहां पर भी ताला लगाए, ये माजरा सच में कुछ अलग ही है। और उस ताले को खोलने की हिम्मत कोई नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि सबके सब भूत से जो डरे हुए हैं, उन्हें लगता है कि अगर कहीं ताला खोला तो उनका सामना भूत से ना हो जाए। तो इस तरह से पूरे गांव में दहशत फैली हुई है और कुछ लोग तो इसे जादू टोने से भी जोड़कर देखने लगे हैं। अब ये कोई चोर है या भूत, इस बात का तो खैर अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन वहां के थाने में भी पुलिस तक ऐसी कोई खबर नहीं है ताकि वो तहकीकात करके इसका पता लगा सके। बहरहाल, लोगों में भूत को लेकर खौफ बना हुआ है और ये घटना फिल्म स्त्री की तरह ही लग रही है, जिसमें जो चुड़ैल होती है वो मर्दों को उठाती है और सिर्फ कपड़े छोड़ जाती है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, यहाँ इंसानों को नहीं बल्कि कपड़ों को उठाया जा रहा है ना, हैरानी वाली बात।